हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है हमारी पनीर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पनीर के लिए क्या क्या चाहिए। ऑनियन, चिली, गार्लिक, जिंजर और पनीर। पनीर को हम कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कुकर में पकाएंगे ताकि जल्दी से हमारा खाना पक जाए। तो उसके लिए मैं कुकर में पहले ऑयल डाल देता हूँ। अभी कुकर गर्म हो गया है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है, उसमें हम अब अपनी सारी जो भी ऑनियन, गार्लिक, जिंजर चिली है उसको डालेंगे एक एक करके। हम ऑनियन डालेंगे, प्याज मैंने ज़्यादा रखा है ताकि ग्रेवी अच्छी बने। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा डाल दिया मैंने, और इसको मैं मिक्स करूँगा। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगा ताकि प्याज जल्दी से कुकर में गल जाए, ताकि मैं जल्दी से खाना बना लूँ। इसको दो तीन सीटी में धीमी आंच पे दिला देता हूँ ताकि प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। उसके बाद इसमें हम मसाले डाल के पकाएंगे। तब तक मैं मसाला बना देता हूँ, उसको दिखाऊंगा आपको। जब तक हमारा प्याज लहसुन कुकर में पकता है तब तक हम अपना जो पनीर है उसको फ्राई कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि टेस्टी लगे खाने में। जैसा कि तेल अब गर्म हो गया है, इसमें मिक्स करके पनीर डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर देखिए एकदम सुधार हो गया। जब तक पनीर फ्राई होता है और ये हमारा मसाला तैयार होता है, तब तक मैं तीन दो बड़े और एक छोटे टमाटर को अच्छी तरीके से काट लेता हूँ। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप टमाटो प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको छोटे छोटे पीस काट लेता हूँ। प्याज मैंने बहुत बारीक काट लिया छोटा छोटा, और हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है, फ्राई खा गई है, अच्छे से मिक्स होकर गल जा प्याज। हमारा प्याज देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, जिसको मैं ऐसे मिक्स करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से गल जाए, ग्रेवी गाढ़ी बने और इसे लाल होने तक, जब तक ब्राउन ना जाए तब तक फ्राई करेंगे। देख सकते हैं जैसा कि हमारा प्याज सारे मसाले को मैंने मिक्स किया था, ब्राउन हो गए हैं काफ़ी, इसके बाद ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ग्रेवी अच्छे तरीके से बन गया है। प्याज और टमाटर, ऑनियन टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, तो थोड़े देर और पकाएंगे ऐसे ही। उसके बाद मैंने मसाला बना लिया, और फिर पकाऊँ मैं डाल देंगे।
लीजिए, गरम मसाला, हल्दी एंड थोड़ा सा किचन किंग मसाला और पनीर मसाला एक सब मिक्स कर दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जैसे हमारा मसाला गर्म तैयार हो जाएगा उसको हम उसमें डाल के 5 to 6 में अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला प्याज और टमाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमारा अच्छी तरीके से देखिए पक गया है। अब इसमें उतने मसाले जो हमने बनाए हैं उसको डाल देंगे और 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो मैं पानी डाल देता हूँ। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद इसमें हम पनीर ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से पक गई है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें हम अपना पनीर डालेंगे। पनीर पनीर डाल के अच्छे से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी ग्रेवी जितना हमें बनाना है उस हिसाब से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें बेसन का घोल बना लिया है, इसे मैं इसमें डालूंगा ताकि ग्रेवी और अच्छे तरीके से डाल दिया जाए। सारी ग्रेवी के अच्छे से मैं 5 मिनट ढक अपने दूंगा धीमे से मीडियम पे। गार्निशिंग करने के लिए मैंने ये धनिया काट लिया छोटे छोटे, लास्ट में मैं इसको डालूंगा जब हमारा अच्छे तरीके से पनीर पक जाएगा। ये हमारा पनीर अब बन के तैयार है, बस मैंने पानी डाल दिया बन के तैयार है। मैं बंद कर देता हूँ और इसे कप में खाली कर लेता हूँ। काफ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी है, मैंने प्याज और सब डाल दिया, थोड़ा सा बेसन घोल के डालने से ग्रेवी अच्छी तरीके से गाढ़ी बन जाती है। ये हमारी पनीर की रेसिपी थी, मैं इसे थोड़े से गार्निशिंग करूँगा और एंड ऑफ लीफ ऊपर से डाल दूँ। और मेरा राइस तैयार हो रहा है।
ये भी हो ही चुका है। आज की रेसिपी ये थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारे खाने की रेसिपी बनके तैयार है। सैलेड, पनीर मसाला, राइस, चार लोग खाएंगे। वाह, एक हमारे कस्टमर पधार चुके हैं, उनका नाम अनिकेत है। As you you can see that I really love this dish, and it is made by our cook, his name is Pradeep. Pradeep has made this. He is really very nice cook. जी एक हमारे आगे, दूसरे आ रहे हैं प्रशांत कुमार, मैनेजर लॉ हैं। इससे आगे राजभाषा अधिकारी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हमारे परम मित्र श्री प्रणीत कुमार जी ने हम लोग के लिए कृष्ण के प्रिय पदार्थ दूध से बना खाद्य पनीर अपनी प्रतिभा दिखाई है, और हम लोग कुछ देर में उनकी प्रतिभा का समीक्षण जांच करने जा रहे हैं। ये सौरभ, प्रशांत, अनिकेत और ये मैं, देख लीजिए। ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर। ठीक है, नाउ अ बिग क्लैप फॉर हिम।